हेलो दोस्तों, मैं आपका दशरथ यादव आज आपको एक नई जगह लेके जा रहा हूँ। बताइए कहाँ लेके जाने वाला हूँ आपको, प्लीज़ गेस। बताइए कहाँ लेके जा रहा हूँ आज आपको। मैं लेके जा रहा हूँ इंडिया गेट, वहाँ पे कुछ आपको झलकियाँ दिखाऊँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको किस एक नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों हम इंडिया गेट पहुंच चुके हैं, आइए चलिए आपको यहाँ कुछ दृश्य दिखाता हूँ जो अद्भुत है भारत की। बहुत सुंदर, आज संडे काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, वीकेंड में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी भीड़ दिख रही है यहाँ पे, लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी भीड़। काफ़ी ज़्यादा भीड़, आज ठंड भी कम है, धूप तेज है, फ्रेंड्स एंजॉय लेते हुए। आइए चलिए पास से क्लोजअप दिखाता हूँ आपको। काफी भीड़ है, काफी फ्रेंड्स आ जाए हैं। सुंदर, बहुत सुंदर, फ्रेंड्स काफ़ी एंजॉय करते हुए यहाँ पे। काफ़ी भीड़ है आज संडे के दिन, फ्रेंड लोग फोटो खिंचाते हुए। बहुत सुंदर, ये भारत की पहचान इंडिया गेट। काफी भीड़,
गेट इधर आ जा जवान इंडिया गेट की रक्षा करते हुए बच्चों के लिए खिलौने वगैरह काफ़ी है यहाँ पे, आप ले सकते हैं काफ़ी खिलौने, फोटोग्राफर फोटोग्राफी फ़ोटो खींच के आप यहाँ फ़ोटो खींचा सकते हैं, खींच के हैंड टू हैंड आपको फ़ोटो मिल जाएगी। बच्चों के लिए खिलौने, ताजमहल तो है, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए, आपको जो पसंद आएगी वो ले लेंगे। दोस्तों साइड से कैप्चर करते हुए आपको काफ़ी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मेरी पूरी कोशिश है मैं सारी चीज़ें कैप्चर कर सकूं। काफ़ी भीड़ है, स्नैक्स वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। ये पीछे साइड आ गए हैं हम, यही अपना
पीछे साइड आ चुके हैं सनलाइट यहाँ पे। आपको अच्छे से दिखाता हूँ पीछे साइड से। काफ़ी भीड़ आज, और सबसे बढ़िया धूप आज बहुत अच्छी है, आज ठंडा कम है, जिससे फ्रेंड्स लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे आके। ये पीछे साइड से इंडिया गेट, फोटो वोटो काफी बढ़िया, फ्रेंड्स एंजॉय करते हुए। और गार्डन काफी अच्छे से सजा रहे हैं, वाटर और साइड सनलाइट बहुत अच्छा लग रहा है, एक साइड सनलाइट पड़ रही है, एक साइड हल्का सा डार्क में इंडिया गेट, ब्यूटीफुल बहुत अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट फ्रेंड्स काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ दोस्तों, बच्चों के खिलौने यहाँ पे हैं, काफ़ी मनपसंद बच्चों के खिलौने। काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें बच्चों के लिए यहाँ पे। बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जगह यहाँ पे। फॉरनर टूरिस्ट काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पे। काफी अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे, वुमेन्स के लिए यहाँ पे एक्सेसरीज, बैंगल्स, काफी सुंदर सुंदर बच्चों के लिए तो है, खिलौने काफी अच्छे सुंदर आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। सुंदर दोस्तों, पूरी कोशिश है, पूरी हर चीज़ आपको दिखा सकूं यहाँ पे। बहुत सुंदर, यहाँ पे स्नैक्स ही है, फटाफट स्नैक्स कर सकते हैं यहाँ पे, भेलपुरी है बच्चों के लिए, टॉय वगैरह यहाँ पे, ये खाओ ले जाओ, भेलपुरी खा लो, भेलपुरी भेलपुरी भेलपुरी, बहुत सारे
वॉल्स वीकेंड पे काफी भीड़ दोस्तों यहाँ पे। ये परम योद्धा स्थल है, आपको वहाँ पर भी कैप्चर दिखाऊंगा, आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा है, यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं, आप घूम के थक जाएं तो वहाँ पे बैठ के आप स्नैक्स चाय कॉफ़ी का मज़ा उठा सकते हैं। बैठ के यहाँ पे काफ़ी बड़े खुला है, आप बैठ सकते हैं आराम से, छुट्टी का मज़ा ले सकते हैं, इंडिया गेट में आके बैठ के टाइम पास कर सकते हैं आप। घर पे बैठे बैठे अगर बोर हो रहे हैं तो इंडिया गेट में आके आप अच्छा समय बिता सकते हैं। सुंदर सुंदर पेड़, दोस्तों योद्धा स्थल पहुंच गए हम। यहाँ पे पत्थर पे चित्रकारी बड़ी शानदार करी गई है, चित्रकारी बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर पत्थरों में और दोस्तों यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है, अच्छी है, ये काफ़ी मुझे पसंद आया यहाँ पे कि वॉशरूम टॉयलेट का सुविधा है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, चिल्ड्रन पार्क है, बच्चों के लिए घूमने के लिए अच्छी जगह है। तो काफ़ी भारत सरकार ने काफ़ी कुछ अच्छा अरेंजमेंट किया है यहाँ पे बैठने के लिए, लोगों के लिए वीकेंड इन्जॉय करने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर आया हूँ, बहुत अच्छा है वहाँ पे। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे वाटर का। और शाम अंधेरा होने के बाद इसमें लाइट जलती है, ये बहुत सुंदर अपने आप में लगता है।
ये अपने आप में काफ़ी सुंदर। दोस्तों ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और काफ़ी अच्छे अच्छे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो और भी जगह चलेंगे, यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क और वॉर्क मेमोरियल चलेंगे, युद्ध स्थल। आइए चलते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे आने के बाद, मुझे मेरा अच्छा लग रहा है कि आज का संडे अच्छा जा रहा है। राष्ट्रीय स्मारक चलते हैं। भारत सरकार की अच्छी पहल ही है, जो जो हमारे यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं उनको अच्छे से दिखा सके। जाकर
दोस्तों अंदर बहुत कुछ है, आपको दिखाता हूँ, चलिए आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अब वीडियो को फास्ट करूँगा तो नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये। अब जल्दी जल्दी आपको कवरेज दिखाऊंगा यहाँ पे। बहुत सुंदर प्लांट, काफी सुंदर अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शाम को यहाँ पे लाइट जलती है, बहुत सुंदर लगता है देखने में यहाँ पे। बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे। सब शहीदों के नाम स्केच करते हुए सबके नाम विजुअल। सब ये शहीद है जो अपने आप भारत के लिए शान है, जिन्होंने बलिदान दिया। अरे यहाँ से नहीं, वहीं से चलेंगे जहाँ से आए थे।
ये सब शहीदों के नाम जिन्होंने अपनी जान गंवाई। बहुत गर्व महसूस हो रहे हैं कि मैं भारत में हूँ। भारत की शान तिरंगा लहराता हुआ, हंसता हुआ, झंडा लहरा रहता हुआ हवा में हंसता हुआ। उम्र जवान कहाँ से आते हैं? हैदराबाद से। सुबह में आया था 11 से देख लिया। अच्छा बोर हो रहा है। और ये दोस्तों आपको हम दिखाते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे झलकियाँ। चलते हैं जवाब देना है ना। हमारे
सप्तमेव ज्योति जाते भारतीय सत्य में जाते सबके चिन्ह वायुसेना लोग काफी एंजॉय करते हुए Thank you.
तो सारे सीन हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। और अभी और भी कुछ बाकी है दोस्त, और भी है आपको दिखाने के लिए, जो कि आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सफाई करते हुए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और यहाँ पे देखा सुरक्षा काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। अभी 5 बजे के बाद यहाँ पे और आपको अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा, आर्मी एयरफोर्सेस दिखेंगे आपको यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर दृश्य होगा देखने के लिए आपको। तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। दोस्तों ये फर्स्ट एग्जिट गेट है, यहाँ से फर्स्ट एग्जिट है, और यहाँ पे जो भी शहीद हुए हैं उन सब की सबके नाम लिखे हुए हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे भारत के लिए जो अपनी उन्होंने जान दी है उनको याद किया जा रहा है नाम लिख के, जिसे लोग नाम जान सके किन किन ने कुर्बानी दी है हमारे भारत के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया भारत सरकार ने इसको बनाया है। बहुत अच्छा, आप ज़रूर यहाँ पे विज़िट करिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों अब चिल्ड्रन पार्क घूम लेते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। एग्जिट फर्स्ट गेट से एग्जिट कर रहे हैं चिल्ड्रन पार्क को जाने के लिए। आप किसका? हमारे नेता हैं यहाँ के लिए।
हमको जो कर्नाटक बैंगलोर एयरपोर्ट छ, तमिलनाडु चेन्नई हैदराबाद यहाँ हैदराबाद एयरपोर्ट छ, यसलाई सबै यसमा तुलना बोल्छन्, यसमा तेलुगु बोल्छन्, यसमा तमिल बोल्छन्, यसमा कल्याण बोल्छन्, यसमा महाराष्ट्र दोस्तों जल्दी जल्दी अब चलते हैं चिल्ड्रन पार्क, 5 बजे इसकी एंट्री बंद हो जाती है तो जल्दी चलते हैं। दोस्तों चिल्ड्रन पार्क में पहुंच गए हैं, आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं, चलिए। चिल्ड्रन पार्क में दोस्तों पहुंच चुके हैं, आपको जल्दी जल्दी दृश्य दिखाएंगे यहाँ का। बच्चों के फन मस्ती के लिए यहाँ पे पार्क, काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए मस्ती करने के लिए, यहाँ पे फन के लिए काफ़ी अच्छा है चिल्ड्रन पार्क। जल्दी जल्दी दोस्तों आपको दिखाऊंगा सीन यहाँ पे, स्नैक्स भी है यहाँ पे, चाय वगैरह पी सकते, चाय कॉफी।
एमबीएमसी का जो है काफ़ी अच्छा है बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए। यहाँ पे आप बच्चों को ला सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगे उनको। काफ़ी सारे झूले हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए यहाँ पे। काफ़ी बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे बच्चों के लिए। काफ़ी अच्छे झूले हैं, घूमने के लिए छूट सकते हैं। दोस्तों काफी जल्दी जल्दी दिखाऊंगा यहाँ पे।
बच्चों के लिए फन मस्ती के लिए वाटर। बच्चों काफी मजा आएगा यहाँ पे। बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ट्री एलिमेंट बहुत सुंदर, हाथी पेड़ वाला हाथी। स्केटिंग के लिए बच्चों के लिए खेले आराम से, फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। काफी सुंदर बच्चों के लिए। एक बार बच्चों को यहाँ घुमाने जरूर लाइए, चिल्ड्रन पार्क बहुत अच्छा है, बच्चे काफी एंजॉय करेंगे। अंदर एंट्री करते हैं, अंदर भी देखते हैं क्या क्या है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। वन फिश, बहुत सुंदर। दोस्तों टाइम कम है,
आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। श्रीमती इंदिरा गांधी नर्सरी पेड़ पौधे यहाँ पे दोस्तों आपको जल्दी में सब चीज़ें दिखाऊंगा, समय कम है। नर्सरी है ये, अभी ये बंद हो गई है, लेट हो गया। मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पे चिल्ड्रन लाइब्रेरी के बारे में। अभी ये बंद हो चुका है, एक्चुअली इंडिया गेट घूमने चक्कर में थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आपको यहाँ की पुस्तकें नहीं दिखा पाए आपको चिल्ड्रन लाइब्रेरी में, बच्चों की क्यूट क्यूट बुक्स, प्यारी प्यारी। अगली बार मैं आपको चिल्ड्रन लाइब्रेरी ज़रूर दिखाऊँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें अभी नहीं पता है, अभी इसमें बहुत कुछ चेंजेस हुआ है इंडिया गेट में, आसपास की जगहों पे जो पहले आप खाली देखते थे वहाँ पे बहुत अच्छा कर दिया गया, चिल्ड्रन पार्क, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, और प्लीज़ क्योंकि इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत करी है और आपको सारी चीज़ें फुल कवरेज दिखाने की कोशिश करी है। Thanks for watching. Thank you.